पाकिस्तान से बहु ले आ लौंडा बड़ी हिम्मत है और कहाँ लौंडा ना फोड़ा एक चाटे को तुमने एक चाटे को तुम नहा लौंडा ना फोड़ा लौंडा बढ़िया गदर भाभी भी गदर है कहते जहर हम भी कोशिश करेंगे हम भी आए कोशिश करेंगे आने की नहीं 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 नमाज नहीं पढ़ती जी हनुमान चालीसा पढ़ती है चालीसा पढ़ती है कौन कहेंगे झिंगर बता रहा वो हमारा ही खिला दो तो प्यारे दो जी आसमान पे सुहा जाए तो पाकिस्तान गए अमेरिका के लिए आएंगे यार अमेरिका जब हमको कौन सी गैंगस्टर में नाम आवे उनको नमस्कार आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इन दिनों सरहद पार की आशिकी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी की। इस वक्त हम सीमा हैदर के इलाके में मौजूद हैं जहां पर बड़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ सीमा हैदर को लेकर वो कहना चाहेंगे और सचिन जिस तरीके से पाकिस्तान की बहू लेकर आए हैं इसको लेकर उनके आने वाली पीढ़ियों खासकर बच्चों पर क्या कुछ इसका इफेक्ट पड़ेगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीप्ति है। क्या कहेंगे पाकिस्तान से बहू आई है आपके इलाके में, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की बढ़िया आई है, आ गई तो बढ़िया ही है। बढ़िया है, कैसी बहू लगी? हमने तो देखी ना अपनी आँखों से। देखी नहीं ना। अच्छा सचिन दिखाई नहीं दी? मैं गया ना, मैं गया ना वहाँ। गई नहीं है। क्या कहेंगे आपके इलाके के जो सचिन है? बढ़िया है कि यहाँ तो बहुत आए। पाकिस्तान से बहू ले आए लौंडा, बड़ी हिम्मत है। हिम्मत है लौंडे में? और कहाँ लौंडा ना फोड़ा एक चाटे को तुमने, एक चाटे को तुम नहा लौंडा ना फोड़ा। हाँ ऐसा मरा सौ ईमान से कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान से पबजी से भगा ले ये मोबाइल में लाए हो, ये गेम चले का शेयर का पबजी से गेम चले का हुआ चले। घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे वो भी अगर पाकिस्तान से बहू लेके आ जाएंगे तो क्या करेंगे? बढ़िया ही रहेंगे। और का और चार बच्चे हैं वहाँ पे, यहाँ पे तीन लौंडिया एक लौंडा। आपने देखा उनके बच्चों को? तीन बच्चा अच्छे पढ़े हैं, चार है बच्चा वहाँ पे। सचिन का नेचर कैसा है? वहाँ लौंडा को लौंडा तो बहुत सही है, कुछ सही है। हाँ सही है, बालक है ना वो मर को। आजकल आपके आस पड़ोस के लोग तो उनको लप्पू सचिन झिंगुर बता रहे हैं, क्या कहें? कौन कहेंगे झिंगुर बता रहे, वो हमारा ही लाल बाबा यही तो कह गई है वो। कौन उन्होंने बहुत बुरी है और सीमा हैदर को बंदरिया कह रही है वो। वो बात कह रही है, बाप बाप से कह रहे हैं सुसु पागल है वो। क्या कहेंगे उनके लिए? आपके गांव के लोग क्या कह रहे हैं? वो तो बहुत जाली है, गलत कह रहे हैं। अच्छा आपकी बहू कैसी है जो पाकिस्तान से आई है? बहू तो बढ़िया है बेचारी। अच्छा आपके घर में आगे तो नहीं रखेंगे? हाँ हमारे घर में हम काय को रखेंगे, मरने को जा रहे हैं, बहू रखे हैं हम। अभी तो आपको सीमा हैदर बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी बहू। सीमा तो बहू बढ़िया है, लौंडा को आई है, हम कब वो लौंडा है। कह रहे पाकिस्तान से जासूस भेजा उन्होंने। अच्छा जी हाँ। कोई जासूस भेजो हो का पता जी? वो जाने का पता हमें का आपको क्या लगता है? हमें कुछ जासूस है कि नहीं है? आप जासूस तो पता ना, जासूस ना है ये औरत, जासूस नहीं है, जासूस ना। क्या पता शातिर कह रहे, कह रहे पाँच ये तो घर पे पढ़ी लिखी है उसे जासूस। सीमा हैदर के इलाके के लोग हैं, आप लोग क्या कहेंगे, कैसी लगी सचिन भैया पाकिस्तान से भाभी ले? गजब लगी, कहने वाले कुछ भी कहोगे ये लप्पू सचिन है कुछ भी ना जी, बहुत बढ़िया लौंडा कहने को क्यों बस। हाँ लौंडा बढ़िया गदर, भाभी भी गदर है कहते जहर जहर कहते ही गदर है, देखने में बढ़िया। और अपने इंडिया के लिए देखो झंडा लहरा रही है और कहा चाहिए उनको, क्यों नहीं देखो जी खूब की जी। कहने वाले कुछ भी क्यों, ऐसा ऐसी कोई बात ना, पाँच सात महीने हो गए। चार बच्चे लेकर आ गई हैं वो भी इलीगल तरीके से, क्या कहेंगे? तो प्यारे दो जी आसमान पे सुहा जा तो पाकिस्तान गए। हाँ जी और मैं डूब के चार बच्चे कुछ भी जी, कितने लोग आए बांग्लादेश और अफगानिस्तान कितने जी, अदर जाके देखो हरियाणा यूएसए कितने कितने लोग ले आए, हरियाणा में लेके आए यूएसए से, ये कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है पाकिस्तान में। जिस तरीके से लप्पू सचिन और झिंगुर सचिन बोल रहे थे अब सीमा हैदर को भी वो बंदरिया कह रही है जी। कहने वाले कुछ भी को अपनी शक्ल में देखो, दूसरे कहने से कुछ ना हो तो जी, बस सचिन से पूछो कैसी है सीमा और सीमा से पूछो सचिन कैसा हो, कहने वाले लोग कुछ भी कहो। आपको कैसी लगी? हमें तो जी बहुत अच्छी लगी। आप मिले हो? हाँ जी देखी हमने खूब, बहुत अच्छा लगा जी, बोलने चालने में बढ़िया है। वो आपकी बात देखो जी ठीक है जी, गेम से प्यार हो जाना ये पब्लिक के ऊपर बात है जी,
ट्रस्ट मतलब प्यार जब होता है ना जी, ना तो देखा जाता है बड़ा उम्र कुछ, ना काला ना पीला, बस जिससे हो गया ना एक बार हो गया बस। लेकिन अभी एक भारत से भी एक लड़की गई है अंजू नाम की, क्या कहेंगे, पाकिस्तान गई है, कहने दुखी हूं मैं वहां पे, बेकारी चली गई। अब जो सीमा जी को हमने खुश रखा है वो देखेंगे ना गलती जो जो करेगा, अब सीमा को हम गलत रखेंगे तो वो तो खुश होंगे ना, अब अंजू गई है तो देखो हमें भी दुख होगा। अब हमने तो ये सुना कि 14 लाख का उसको वो मिला है फ्लैट में लग के। हाँ जी, क्या मिला है? फ्लैट मिला है उसको, मिला। हाँ जी, पाकिस्तान में। लॉटरी लग गई सीमा सचिन की, लॉटरी। अब देखो प्यार है उसका, अब लॉटरी लगो जो कुछ भी। अच्छा, अब तो फिल्म आ रही है बॉलीवुड में, उनके दोनों पर बन रही है फिल्म, क्या कहें? अच्छी बात है जी, बननी भी चाहिए फिल्म मूवी, क्यों ना देखेंगे जी, लाइव शो देखेंगे कहते जी। जी हाँ, कहने वाले लप्पू तो सचिन है, झींगू तो सचिन है, ऐसा कुछ नहीं है जी, लौंडा अपनी जगह ठीक है, हर तरह को इंसान हो। हाँ जी, हर तरह को इंसान, अब स्मार्ट ही सभी थोड़ी चलेगा जी, स्मार्ट भी लड़की भी तो होनी चाहिए, अब कहने वाली कुछ भी क्यों। अब जिन्होंने ये बात की वो अपने भाई देखे, पहले अपने आदमी भाई देखे, अपने बच्चों को देखे। मैं दबंग लेडी हूँ, मेरी मर्जी में। दबंग को कौन सी, गैंगस्टर में नाम आवा उनको, ऐसे कह रही मैं दबंग हूँ, ऐसे थोड़ी कोई किसी को, जी वो तो बात तो मटी है, कोई किसी के ऊपर उंगली उठा सके जी, सामने थोड़ी कह देंगे उसके, पीछे तो लाइफ पे मैं भी कुछ भी कह दूंगा, ये थोड़ी है, अब कहने को कुछ भी क्यों। लेकिन जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि एक इतना पतला सा लड़का इतनी सुंदर बहू भगा के ले आया, क्या बोले, सब झूठ बोले, लप्पू नहीं है लड़का, बढ़िया देखने में, हैदर भी सही लगती है देखने में, कहने वाले सोच ना, 100 बात बोलते हैं, सब कह रहे कोई मान जाएंगे इसमें, कोई अच्छे कभी बढ़िया कभी कह जाओ, दोस्त वोस्त भाई भाई नहीं, मतलब मिल जाते रास्ते में, घूमते फिरते यहाँ पे, हाँ खूब आराम से। अच्छा, कब लास्ट बार कब हो गए? दो दिन पहले देखे थे, दो दिन पहले। हाँ जी, क्या कहेंगे, अब तो आपके दोस्त बॉलीवुड में छा रहे हैं। अच्छी बात, छाने भी चाहिए, छाने भी चाहिए। आपका कोई इरादा है आने वाले दिनों में? नहीं, हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी आए, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी आए, कोशिश करेंगे आने की, कोशिश करेंगे, हाँ क्यों नहीं करेंगे, कोशिश जहाँ तक पहुँच जाएगी, आगे लेकर, मतलब पूरी ऑल इंडिया, अमेरिका के लिए आएंगे यार, अमेरिका से लाएंगे, घर वाले के कहने से, हाँ चाहे पाकिस्तान से लाओ, चाहे लाहौर से लाओ, चाहे कश्मीर से लाओ, बस जहाँ करवाएंगे वहाँ करेंगे ना, हमारा कोई सिस्टम ना जी, के पाकिस्तान की तो होगी आपने कुछ भी ना जी, सिंगल लाइफ, बेस्ट लाइफ रियलिटी में। हाँ जी, खुश है भाई से, मैं कह रहा बहुत खुश हूँ, बिना टेंशन के। क्या कहेंगे, आपके इलाके में पाकिस्तान से बहू आई है और आपके जस्ट पड़ोस में रहती है, कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बढ़िया जी, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। कैसा है स्वभाव? बढ़िया, हम जैसा ही है, जैसे हमारा स्वभाव है ऐसी उसका स्वभाव है। आपके घर में भी रही? हाँ रही है 5-7 दिन। कैसी रहे? वैसी रहते जैसे बच्चे रहते हैं हमारे, ऐसी वो रहती है, बढ़िया रहन सहन है, सब बात हम जैसी बात है, जैसे हम बात करते हैं बेचार। हाँ बोलो बोलो, जैसे हम रहते हैं ऐसी हो रहती है, आपके जैसे रहती है, बिल्कुल। जिस तरीके से उन पर अभी, जैसे आपको पता होगा कि कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, उनको ऐसा भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जासूस भी हो सकती है, इसको लेकर इसके मामले में कुछ नहीं कह सकते। देखो कंपनी जांच कर रही है, जांच पूरी हो जाए जब देखो वो जाने हो तो सरकार जाने। आपके जैसे आपने कहा कि आपके घर में रह रही है, तो कभी आपको ऐसा कुछ लगा कि जासूस हो सकती है? नहीं नहीं, जासूस नहीं है जी, नहीं है जी, इस बात को हम दिल से कहते हैं कि जासूस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नमाज नहीं पढ़ती जी, हनुमान चालीसा पढ़ती है, चालीसा पढ़ती है, है जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर को पढ़ी है जी, जी नहीं नहीं कोई अजीब नहीं, जब हिंदू बन गए तो अजीब क्या है। लेकिन एकदम से जैसे वो कहती है कि उनको मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, तो नहीं लग रहा शक के घेरे? नहीं नहीं, देखो जी जब हिंदू बन गई तो वो क्लियर कहती है, मैं मोमडन के मामले में सब चीज़ जानती हूँ, ये सब झूठ बात है, ये बात सब झूठे हैं कि उसमें ये नहीं आता, वो आता सब है। जब वो हिंदू होगी तो हिंदू की बात करेगी ना, जब राम को मानते राम की बात करेगी ना, अल्लाह से क्या मतलब फिर उसे। हाँ मुसलमान ही थी जब थी, अब तो वो हिंदू मानी है ना, नमाज अब जाने ही ना, भूल गई अब तो आप नहीं जानती, जानती होगी, जैसे हम करते हैं पूजा पाठ ऐसी पूजा पाठ करती है तुलसी पुलसी शास्त्री को लेकर भी कह रही थी कि उनको बहुत अच्छे लगते हैं जी, तो उनका वचन वगैरह सुनते हुए उन्होंने देखा आपने? हाँ देख खूब सुने, हाँ सुनती हैं खूब, सुनती हैं उनके प्रवचन, सुनती हैं। क्या क्या देखती हैं भगवान से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड, क्या क्या? जितने हमारे देवी देवता हैं सबको देखती है और सबको मानती है, सबको जानती है, जानती है। और जैसे कि कोई
कोई फेस्ट या कोई त्योहार होता है तो उस तरीके से पूजा पाठ करती हैं? देखो अभी तो कोई त्योहार ही नहीं आया, जब त्योहार आएगा तो पूजा पाठ भी करेगी। राखी आने वाला है तो हमने बता दी ना, ऐसे ऐसे हो गए हमारे त्योहार, जब बताएंगे दूसरे जब ही तो जानेगा, जानती है।